जो जमाते इस्लामी पर, ये तो जमाते इस्लामी पर बैन हटाने की मांग कर रहे हैं, ये अलग मांग है इनकी, मैं इसको अलग कंसिडर करके चलती हूँ। लेकिन बाकी जो बातें इन्होंने कही कि कौन है पत्थरबाज, क्या आप कह रहे हैं, फिर जब पैलेट वाले आएंगे तो पत्थरबाज भी आ जाएंगे, फिर से वही स्थिति हो गई ना। फिर तो मैं कहूंगी कि हाँ वाकई में बहुत अच्छा हुआ कि 370 एब्रोगेट हो गया। देखिए पूर्णिमा, ये जनाब जो है वो डुप्लिसिटी वाली बात कर रहे हैं। इनको पूछे ना कि यासीन मलिक जो है और उनका सारा जो हाजी ग्रुप था पाकिस्तान गया, क्यों गया 87 में, क्यों वहां से हथियार लेके गए, लेके आए, क्यों वहां से AK-47s लेके आए, किसने 87 के बाद जो है कश्मीर में आग लगाई, ये वो कभी अंदर जांच के नहीं देखेंगे, कभी अपने बच्चों को सच्चाई नहीं बताएंगे कि इन्होंने अपने आप को धोखा दिया, अपने पूरे समाज को धोखा दिया, इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को धोखा दिया, ये कभी ये नहीं कहेंगे इनके बच्चे जो सड़क पे जा रहे थे ये इनकी जिम्मेवारी थी, इनकी मस्जिदों की जिम्मेवारी थी, इनके टीचर्स की जिम्मेवारी थी, इनके घर वालों की जिम्मेवारी थी कि वो सड़क पे ना जाए और पत्थर ना चलाए, AK-47 ना उठाए। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये कब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कब अंदर झांक के देखेंगे कि इन्होंने, शेख अब्दुल्ला ने जब अंग्रेजों के साथ सांठगांठ की और उसके बाद उनको जेल भेजा गया सेडिशन के चार्जेस पे, ये कभी ये नहीं सोचेंगे कि इन्होंने जो पिछले 75 साल अपने आप को झूठ बोला है, अपने समाज को झूठ बोला है, और अभी भी इन जैसे लोग जो है, कुछ ये चंद ही लोग है, मैं ये कहूंगी चंद लोग है, मेजोरिटी जो कश्मीर की है वो शांति पसंद है, मेजोरिटी जो है कश्मीर की वो अपने आप को इंडिया का हिस्सा मानते हैं, मेजोरिटी जो है वो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। लेकिन इन जैसे लोग जो दोगलापन दिखा रहे हैं वही प्रॉब्लम है इस। और लेकिन आरती जी, ये तो बेमतलब सी बात हो गई ना कि एक है बहुत सारे मेजोरिटी के लोग जो अपने आप को इंडिया का हिस्सा मानते हैं, भाई इंडिया में ही है, तभी तो एक संविधान एक निशान की बात होती है, इंडिया में ही है। इस पर तो बात करने की इनके पासपोर्ट पर किसी दूसरे देश का ठप्पा थोड़ी लगा है, इंडियन पासपोर्ट है इनके पास में, तो ये तो बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा आपने कि वकार भट्टी और महबूबा मुफ्ती जिस तरह की ऐसी दोगलेपन की बातें करते हैं उसी की वजह से इनका अपनी पार्टी से हूं कि लोग इनके साथ खड़े नहीं है। ठीक है वकार भट्टी जी, जवाब लूंगी थोड़ा सा समय दीजिएगा सर। आरती जी अपनी पार्टी महबूबा जी के साथ भी और नेशनल कांफ्रेंस के साथ भी चुनाव लड़ रही है, आप अपनी पार्टी को भी वही कह रहे हो जो आप महबूबा जी को कह रहे हो। हमारी पार्टी आई है 4 साल से, हमारे प्रेसिडेंट आप ये मत कहिए, आप अपने बच्चों को झूठ मत बोलिए, आप अपने समाज को झूठ मत बोलिए, क्योंकि आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। क्या आरती जी आपको नहीं पता 87 की आग किसने लगाई थी मैडम जी? क्या आपको नहीं मैडम जी पता 87 की? मैं आपकी सारी देख चुका हूँ, मैं ट्विटर पे आपकी वीडियो देख चुका हूँ, लोगों को सच मालूम है। ये अच्छी बात है वकार भट्टी साहब कि आप पूरे होमवर्क के साथ आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप पूरे होमवर्क के साथ आप वीडियोस देखकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है आरती चिक्चू के सवालों का आपको जवाब देना है। लेकिन समीर सर आपके पास आते हुए ये बताइए कि नॉन स्टेट जो एक्टर्स थे उन पर तो लगाम लगा ली, 370 एब्रोगेट हो गया, आतंकवाद की घटनाएं कम हो गई, लेकिन अब स्टेट एक्टर्स का कैसे, क्या करेंगे हम? स्टेट एक्टर्स जो है वो कैसे अपना एक योगदान देंगे कि शांति व्यवस्था बरकरार रहे, किसी तरीके की वापो की स्थिति ना हो, लोकतंत्र का पर्व है सुचारू रूप से चले, किसी तरीके का मिसकंसेप्शन ना क्रिएट किया जाए, ये स्टेट एक्टर्स जो कर रहे हैं ये कैसे रुकेगा सर, क्योंकि ये तो है पॉलिटिकल पार्टीज और पुराने लीडर्स वहां के। देखिए पंडिता जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए, सितंबर की डेडलाइन है, मुझे लगता है सितंबर के पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, और आप देखिए वहां पर एक बार राज्य सरकार का गठन हो जाने दीजिए, जितने भी वहां पर इस तरह के एक्टिविटीज जो लोग है उन सब ठिकाने लगा दिया जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, मैं तो अटल बिहारी का जिक्र करना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था जम्मू कश्मीर को लेकर कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, उसे सही अर्थों में अगर किसी ने लागू किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
अब वहां पर आप देखिए आर्टिकल 370 खत्म हो गया, कश्मीरी पंडित वहां बसने शुरू होंगे, और जो अभी तक वहां पे दो परिवार को भी सत्ता बढ़ती रही और दो परिवार जम्मू कश्मीर को लुटते रहे बारी बारी से, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने अलगावादियों से पैसा लिया, इन्होंने जम्मू कश्मीर से पैसा लिया, केंद्र सरकार से जाने वाले पैसों को विकास में ना खर्च करके अपने सुख सुविधाओं पर खर्चा किया। आज जम्मू कश्मीर में अगर विकास हो रहा है तो केंद्र का पैसा तो जा रहा है वहां, लाभार्थी का एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया है और गांव गांव में बिजली पानी नल से जल और वहां रोजगार के लिए लोगों को पैसा मिल रहा है, युवाओं को, युवा मुख्य धारा में लौटता हुआ है। अब पत्थरबाजी की बात नहीं करता, आप वहां पर विधानसभा चुनाव हो जान दीजिए, सरकार वहां सबका इलाज करेगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है शिवम, आपसे आपसे जवाब लेना चाहूंगी, अंतिम के दो मिनट में हूँ, इसीलिए चाहूंगी कि बाकी एक दो प्रतिक्रिया में और ले पाऊँ। लेकिन शिवम ये तो है ना कि एक ट्रस्ट डेफिसिट, अब आपने पीरजादा साहब को सुना, आपने वकार भट्टी साहब को सुना, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है, भले ये गैप कम हुआ हो लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट है। केंद्र सरकार कैसे वो ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करेगी पूरी तरीके से, ये जिम्मेदारी तो है केंद्र सरकार की। नहीं नहीं, ट्रस्ट की जहां तक बात है, ट्रस्ट हमने रीगेन किया है पूर्णिमा जी। अगर आप देखेंगे, अगर एक जगह पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15% वोट होता था और अगर आज वहां पर 50% वोट है, तो आप ये मानकर चलिए, ये डेटा बताता है कि हमने ट्रस्ट रीगेन किया है कश्मीरियों का। अगर आज वहां पर लोकतंत्र की ये खूबसूरत तस्वीर सामने है तो जाहिर है हमने ट्रस्ट रीगेन किया है। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स, कुछ लोग जिनको बाहर से मदद मिलती थी, वो जरूर इस बात से नाराज हैं और नाराज रहेंगे और उनको हमें उनका ट्रस्ट हमें गेन करना भी नहीं है, वो हमारी पॉलिटिकल राइवलरी में आते हैं। लेकिन हाँ, वहां पर जो रहने वाली जनता है, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए वहां पर एक ऐसी स्थिति, ऐसा माहौल बनाकर दें जहां पर उनको डर से, बम बंदूक से कोई दिक्कत ना हो, वहां पर वो खुलकर जो है लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें और वो ले भी रहे हैं है। और वही हमारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमने पूरी तरीके से निर्वाहन किया और इसी बात से वहां की जनता खुश है। लेकिन जो कुछ नेता बाहरी लोगों से प्रभावित थे और उनको फायदा पहुंचता था, वो जरूर नाराज है, वो आगे नाराज लंबे समय तक रहने वाले हैं। ठीक है, इसी से सवाल पीरजादा साहब, 30 सेकंड आपको दे पाऊंगी समय, महबूबा मुफ्ती अपना हट छोड़ेंगी, जिद छोड़ेंगी अपनी? ये मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूँ, पीडीपी एक वाहिद पार्टी है, वी हैव ब्रॉट यूथ आइकन बिफोर द पीपल। हम जेल के बदले उसको पार्लियामेंट भेजना चाह रहे हैं, हम यूथ को एक नया रास्ता दिखाना चाहते हैं। और आपको भी ये कह रहा हूँ कि हेनस फोर द काइंडली चेंज नरेटिव, पत्थरबाज को वोटरबाज से अब चेंज कर दो, कन्वर्ट दिस पत्थरबाज इनटू वोटरबाज। कश्मीरी युवा जो वोट देने आया, इट इज ऑल गोज टू अमंग अदर पार्टीज, मोस्टली टू द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अब चूंकि जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आज कहा कि मैं तो फिर लड़ती नहीं, जब सुबह सवेरे पार्टी प्रेसिडेंट के पास ऐसी रिपोर्ट आई कि कुछ वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, नेचुरली एक हार्ट ब्रोकन थी कि ये कैसे हो रहा है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरी पार्टी के साथ कैसे, मेरे वर्कर्स को आज ही के दिन। ठीक है, समय खत्म हो गया वरुण जी, 10 सेकंड में अगर आप कोई क्लोजिंग कमेंट सर देना चाहें, मेरे पास समय खत्म है। पूर्णिमा जी, आपने ट्रस्ट डेफिसिट जब सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, समीर जी ने कहा विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस ग्राउंड तक पहुंचेगा, कश्मीर की स्थिति सुधरने के प्रयास होगा, सबको साथ लेके चलना चाहिए।